हेलो फ्रेंड, एक के इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं अनूप, आज हम बतलाने वाले हैं आपको यूनिवर्सल पीसीबी जो होता है, एसी का यूनिवर्सल पीसीबी, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, सेटिंग कैसे करते हैं। तो ये वाला हम लाए हैं यूनिवर्सल पीसीबी, ये वाला अच्छा है यूनिवर्सल पीसीबी, लमसम सभी में मैच कर जाता है। आप देख सकते हैं यूनिवर्सल एसी रिमोट को फर्स्ट आपके पास जो भी मिले उसको सेटिंग करने का हम तरीका आपको बतला देते हैं। यूनिवर्सल पीसीबी देख सकते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सब पता चल जाएगा डिटेल्स। इसके बारे में पूरा क्लियर कर देते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं इसके साथ एक कवर है, इसमें दिया इसके बारे में, ये वन ऑफ का है, टेम्परेचर का दिया हुआ है, सिंबल सब दिया हुआ है इसका, फैन का है और ये सब दिया है, मोड का, स्विंग का, दोनों तरफ का स्विंग का है इसमें, एफ कूल एफ हीट, बाकी सब इधर जो है इसमें कंपनी के हिसाब से कोड दिया हुआ है, इसमें सभी कंपनी है लमसम देख सकते हैं आप। जैसे वोल्टास का भी है, यहाँ पर वोल्टास का जैसे लिखा हुआ है 056 से लेकर के 629 तक लिखा हुआ, इतना के बीच में कुछ भी मैच कर सकता है। तो इसको सेट करने का तरीका आपको बतला देते हैं। तो एक पीसीबी को हम पावर पहले दे देते हैं, जैसे मेरे पास ये वाला है गोदरेज कंपनी का, तो सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं पीसीबी को। वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है इसलिए हम इसको थोड़ा वीडियो को शॉर्टकट कर देते हैं, सेट करके आपको दिखलाते हैं। देख सकते हैं हम इसको सेट कर दिया, हम इसमें पावर दे देते हैं पीसीबी में। सिंपल इसमें आपको पावर दे देना है, जैसे पावर आ गया, अब आपको यही करना है, ये आपका लाइट का दिया है, लाइट का देख सकते हैं, लाइट का जो लाइट लिखा है पावर का है। तो ये सेट वाला जो बटन है, आपको सेट वाला बटन को दबा के रखना है, ये देख सकते हैं ब्लिंक करने लगा, और इसको एक बार दबाना है, ठीक है, दबा करके इसमें एक एरर आ रहा है E6, इसको ऑन ऑफ कर लेते हैं, नहीं तो ये देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर टाइमिंग जो है 53 हो रहा है, 56 हो रहा है, ऐसे चलते जाएगा, जितना पर ये मैच करेगा उतना पर इसमें एक आवाज़ आएगा, तो उतना पर यहाँ पर ओके बटन जो है, ओके बटन को दबा देना है तो सेट हो जाएगा उतना पर, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा तो उसको कम भी कर सकते हैं। इसमें एरर जो आ रहा है, फैन का एरर आ रहा है, फैन नहीं लगा हुआ इसलिए, रिमोट को सामने में ही रखना है, इधर उधर करने से काम नहीं करेगा। एक बार ऑन ऑफ कर देते हैं क्योंकि इसमें एरर आ गया है तो मैच नहीं करेगा, इसको अभी ओके करके स्टॉप कर देते हैं। तो सबसे पहले हम रिमोट को जीरो कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे समझ में आएगा, तो इसको दबा के जैसे रखें, अब देख सकते हैं 0-0 हो गया। अब इसको हम फिर से सेट को करेंगे, तो पावर दे दिए, अब इसको सेट दबाते हैं, दबा के रखा, अब छोड़ दिए, देखिए टाइमिंग चल रहा है, इसमें नंबरिंग चल रहा, देखिए 12 पर सेटिंग हुआ था, अब जैसे ही आगे बढ़ गया तो इसको हम माइनस कर लेंगे, देखिए 13 पर सेट है, अब 13 आया, इसको ओके कर देंगे,
देख सकते हैं ओके कर दिया और रुक गया। अब इसको ऑन ऑफ करके चेक करते हैं, देख सकते हैं ऑन ऑफ हो रहा है टेम्परेचर। ठीक है फ्रेंड, इसमें और कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से A6 इसमें आ गया। अब देखिए ऑन ऑफ करके चेक कर लेते हैं फिर काम कर रहा है कि नहीं रिमोट। तो अब देख सकते हैं एक काम किया, ये जैसे गोदरेज कंपनी का है तो इसमें 13 लाए तो काम कर गया। तो ऐसे ही आपको चेक करना है, कोई भी रिमोट को सेट बटन दबा के रखना है और एक बार फिर से दबाना है तो जैसे नंबर चलते रहेगा ऑन कर देना है, जिस पे भी मैच करेगा एक टी से आवाज़ आएगा। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।